आपका स्वागत है थार हेरिटेज म्यूजियम में हरेश जी। आज मैं आपको जैसलमेर के पिंगे हिंडे के बारे में कुछ बताना चाहूँगा। आपका स्वागत है, आइए। ये लकड़ी का बना हुआ पिंगा है, स्थानीय भाषा में इसको पिंगा बोलते हैं, और ये हर घर के अंदर होता था। हर घर की शान होती थी, जिस घर में बच्चा पैदा होता था तो उस घर के अंदर पिंगा या हिंडा जरूर होता था। और इस हिंडे के अंदर, पिंगे के अंदर एक बच्चा, दो बच्चा जन्म से लगा करके 5-6 साल तक सो सकता था। ये हमारे यहाँ की रोहिड़े की लकड़ी का बना हुआ है। रोहिड़े की लकड़ी के अंदर कीड़ा नहीं लगता है और इसके अंदर पानी का प्रभाव नहीं पड़ता है। यह बहुत लंबे समय तक चलता है, इसलिए रोहिड़े की लकड़ी ही पुराने ज़माने में यूज करते थे यहाँ फर्नीचर इत्यादि चीज़ें बनवाने में। और इसके अंदर बच्चा जो है बड़े शांति से सो जाता था। और ऊपर जो है ये चिड़कली लगी, आप देखिए, ये चिड़िया है, चिड़कली है जो बच्चा देखता रहता था इसको, और बच्चा इसके अंदर जो है सो करके अच्छी नींद को प्राप्त करता था। ये मूंछ का बना हुआ है, इसका जो धरातल आप देख रहे हो ना, ये मूंछ का बना हुआ है। ये भी एक तरह की घास होती थी। अब आजकल जो झूले जो बनने लगे हैं वो लोहे के, प्लास्टिक के आने लगे हैं, जिसके अंदर जो है प्राकृतिक किसी भी प्रकार की फीलिंग नहीं होती है।